आज हम आपको अमेठी जिले में रहने वाले एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनके ना तो दोनों हाथ हैं और ना ही दोनों पैर, बावजूद इसके वो नौजवान किसी का मोहताज नहीं है। वो चलता भी है और अपने सारे काम भी करता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो नौजवान वोट भी देता है ताकि गाँव का विकास हो सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेठी जिले के महफूज की, जो हाथ पैरों से दिव्यांग है लेकिन किसी के मोहताज है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान का नाम महफूज है। महफूज की उम्र 25 साल है। जैसा कि देखने से ही पता चल रहा है कि महफूज के ना तो हाथ है और ना ही पैर, बावजूद इसके वो किसी के मोहताज नहीं है। महफूज खुद को देश का जिम्मेदार नागरिक मानते हैं। तभी तो जैसे ही कोई इलेक्शन होता है तो महफूज सुबह ही तैयार होकर वोट देने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनका एक वोट भी देश की किस्मत बदल सकता है। आज हम अमेठी जिला के गोसाईपुरा गांव में हैं। कहते हैं कि कुदरत कुछ देता को छीन लेता है, ऐसा ही जिसको आप देख रहे हैं महफूज, इनके न हाथ है न पैर है लेकिन एक जज्बा है। आज इन्होंने वोट प्रधानी का, वोट जिला पंचायत का, बीडीसी का, सदस्य का, सारे वोट जो है देकर आए हैं। आइए हम बात करते हैं महफूज से। जी महफूज जी, आज जो वोट देकर आए हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि इस समय कोरोना क्या चल रहा है, कोरोना बहुत फैला हुआ है, इसकी सूचना आपको मिलती है? नहीं मिली जी, नहीं मिली। तो कहीं आपको डर लगता नहीं है कोरोना से? डर लगता है। तो वोट क्यों देने चले गए? गाँव के विकास के लिए। जैसा कि देखिए, इनका सीधा सीधा कहना है गांव के विकास के लिए ये वोट देने चले गए हैं, ये जज्बा इनका बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप वोट देने गए थे तो ऐसे में कितनी बार और इससे पहले वोट दे चुके हो? दो चार साल हो चुके हैं। कई बार वोट गए हैं? चार साल। कोई प्रतिनिधि अभी तुम्हारे पास उसके पास मिलने आया? नहीं मिला, कोई नहीं आता। महफूज पिछले कई सालों से वोट दे रहे हैं, जिनके बारे में इलाके के नेताओं और प्रत्याशियों को भली भांति पता है, लेकिन आज तारीख तक कोई भी प्रत्याशी जीतने के बाद महफूज से मिलने नहीं आया, जिसका महफूज को अफसोस है। महफूज अब सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत एक मकान मिल जाए जिसमें वो आराम से रह सके, लेकिन वो होना जरा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये बताइए कि सांसद, विधायक या प्रधान तुम्हारे लिए कुछ किए अभी तक? कुछ नहीं किया। अच्छा, क्या चीज चाहोगे कि अगर जो है ये प्रधानी चुनाव हो जाए तो इसमें से तुम्हें प्रतिनिधि क्या चीज दे दें? कॉलोनी। जैसा कि महफूज की चाहत है कि इनको कम से कम एक कॉलोनी मिल जाए, इनका अपना एक घर हो जाए। अमेठी से मोहम्मद तौफीक। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखते हैं लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।